ए फोर साइज पेपर पर आप इस तरह निशान लगाकर पेपर कट कर लीजिए। उसी मेजरमेंट से आप फैब्रिक पर कट कर लीजिए। आप चाहें तो इससे बड़ा साइज भी बना सकते हैं। सभी में मैंने कैनवास पेपर अटैच कर दिया है और सेम साइज़ का लाइनिंग का पीस भी लेना है। फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करते हुए सेंटर पे एक निशान लगाना है और छोटे वाले पीस में भी सेंटर पे एक निशान लगा दीजिए। पिन की हेल्प से दोनों को अटैच कर लेना है। इसके ऊपर लाइनिंग वाली फैब्रिक को रख के सारे साइड से स्टिच करना है। एक साइड से खुला छोड़ना है सीधा करने के लिए। खुले हुए पार्ट को मिलाते हुए टॉप स्टिच करना है। दूसरे वाले पीस को भी इसी तरह स्टिच कर लेना है। एक साइड से खुला छोड़ देना है सीधा करने के लिए। मेन फैब्रिक को उल्टा करके इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए पिन की हेल्प से अटैच कर देना है और उस बीच का सेंटर लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है और स्टिच से बीच वाले फैब्रिक में करना है। लाइन को दोनों सेंटर से मिलाते हुए ड्रॉ कर लेना है और दोनों साइड से 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। दूसरे साइड भी इसी तरह निशान लगाना है। और नीचे भी एक निशान लगाना है। अब इस तरह पकड़ते हुए जो 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं उस पर उसे आप चाहे तो पिन की हेल्प से अटैच कर दीजिए, नहीं तो क्लिप की हेल्प से उसे दोनों को मिलाते हुए दबा देना है। दोनों को पकड़ के एक साथ करना है। दूसरे 1.5 इंच वाले में नीचे वाले फैब्रिक को करना है। और नीचे जो निशान लगाया था उसे सिर्फ नीचे वाले फैब्रिक को इसी तरह स्टिच करना है पकड़ते हुए हल्का सा। इस तरह सारे साइड से क्लिप को आप अटैच कर दीजिए। सभी में हल्का हल्का मिलाते हुए एक स्टिच लगाना है। मैंने पिन को अटैच कर दिया है, क्लिप को हटा दिया है ताकि स्टिच करने में इजी हो। आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर लीजिए।
इस तरह स्टिच करने के बाद इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बन गए हैं। देखिए, दूसरे साइड भी। इसमें स्नैप बटन मैंने लगाया है, आप वेलक्रो भी लगा सकते हैं। इस तरह सेंटर लेते हुए चौक से निशान लगा लीजिए।